मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे समझ आ गई है कि हीरो सिर्फ हीरदा है। शादी मुबारक। चलती हूँ, खुदा हाफिज। नीना, यू वेलकम हीरो भट्ट। मैं जरा छोड़ के आया। इस मुंडे का काम हड़े सिर्फ लियाना ते छड़ना ही है। लो जी भट्ट साहब, मुबारक हो, सब कुछ क्लियर हो गया है। एवं हीर पुत्र तू मलका जज्बात बनी हुई थी। चलो एक दूजे से सुलह सफाई करो। ओए हमारा हीरो भट्ट जो है ना, थोड़ा सा अथरा जरूर है पर बड़ा वफादार बच्चा है भाई। ओए ओए ओए, चलो मेरा पुत्र, चलो साफ करो ग्लैडू अपने और तू कान खोल के सुन ले। ओए आइंदा अगर तूने मेरी धीड़ानी का दिल जरा सा भी दुखाया, लित्तड़ ला लेना मैं मारने सौ ने ते गिनना एक के। आए 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 आए, ज्यादती कर गई। I'm sorry। नहीं, पहले मैं आई एम सॉरी। इट्स ओके, आइंदा तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस। आप रोते हुए भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। जी? अब मेरा मतलब ये टिश्यू नजले वाला नहीं है। डोंट वरी। थैंक यू कि आपने मेरी बात अंडरस्टैंड की, अपनी बात को समझा, वरना आज दो दिल मिलते मिलते रह जाते। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने सही वक्त पे मुझे समझाया, वरना मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी फीलिंग पे अटकी रहती। वैसे फीलिंग्स पे अटके रहना इट्स गुड फॉर द हार्ट। हाँ, लेकिन हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना भी ठीक नहीं। मैंने ज्यादती की है हीरो के साथ। वाह, What a beautiful thought। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये beautiful thought मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपने ही बताया था कि आप पहले नहीं चाहते थे कि हीरो और हीरो आपस में मिलें। आप उनके रास्ते से हट गए। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? You know what? कभी-कभी हम अपनी wishes, अपना love और अपनी मर्जी का सोचते हैं। पर जब वो हमें नहीं मिलती ना, तो उसमें भी कोई जरूर मस एक तो मेरी उर्दू फंस जाती है। मसलहत, राइट? मसलहत, एग्जैक्टली। ये जो मसलहत होती है ना, ये आपकी वाली मर्जी से बहुत बेहतर होती है। जैसा कि हम दोनों का यहाँ खड़े होना, यूं मिलना, ये भी तो एक मसलहत है ना। ठीक कह रहे हैं आप। अगर ठीक कह रहा हूं तो फिर आप शादी भी आ रही है ना? शादी? देखें, अगर आपका दिल साफ है ना, तो आप शादी भी जरूर आएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं आई तो इनको लगेगा कि आपके दिल में कुछ है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जरूर आऊंगी। तो फिर सी यू ऑन द डांस फ्लोर। Office.